कहाँ रुक जा, जा पहले करके बोलता हूँ तो कल क्या था, कल हम चतुर्सरंगी मंदिर के बाद एक गणेश जी का मंदिर था, बद्रू सेठ जी पता नहीं मुझे कितना नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे गए थे। और उसके बाद तुलसी मार्केट था एक, उसमें घूमे थे। और उसके बाद करीब हम 9:30-10 बजे तक करीब आ गए थे। और अब नेक्स्ट आज कौन सा दिन है, आज आज बुधवार, बुधवार नहीं मंगलवार शायद, आज बुधवार है भाई, आज तीसरा डेट 16 तारीख है, 16 तारीख और दिन बुधवार, आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर और टाइम हो रहा है पता नहीं, और हम मैप्रो भी जा रहे हैं, मैप्रो जा रहे हैं, मैप्रो आज हमारी पूरी ट्रिप का तीसरा दिन आज है, बहुत टाइम लगने वाला है ट्रेन बस में, करीब 3-4 घंटे लगने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा होता है सफर। हमारे सुबह का मौसम ऐसा था, 7 बजे निकल रहे हैं यहाँ से पहली बार, जबकि हम 9 बजे घर पे सो के उठते हैं, यहाँ पर 7 बजे जाना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है, उठना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उठे तो 5:30 बजे जाना पड़ रहा है, ये कहते हैं और देखते हैं जाके नाश्ते में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, जा सर वहाँ पर तैयार होंगे रेडी गुस्से में। ये है वो पहाड़ी जिसके इर्द गिर्द वेमने कॉम बसा हुआ है, ये है इलाका पूरा एकदम, वो उधर हमारा हॉस्टल है जो पीले पीले दिख रहा है, इधर ये एंट्री गेट है हमारा और इधर ये पूरा एरिया है कवर्ड, और ये जो रास्ता है इससे हम आते जाते हैं रोज डेली। तो टाइम था 7:30 निकलने का, लेकिन 7:10 पर हम करीब आ गए, लेकिन 3 लोग दोस्त हमारे अभी नहीं आए हैं, हरी अभी और सीबी उनके इंतजार में खड़ी हुई, बस नाश्ते में कुछ नहीं, केवल चाय मिली है और बस हम निकलने वाले उनके इंतजार है, ज़्यादातर उधर उन लोग को फ़ोन कर रहे हैं उधर साइड में पीछे, उधर हमें वो उधर पीछे, बाकी सब लोग बस में बैठ गए हैं, इधर हमारे वॉच भी इधर बैठ रहे हैं। तो अभी हम रुके हैं बीच में नाश्ते के लिए, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिले हमको, इडली और डोसा, उसके अलावा कुछ खा ही सकते हैं। तो अपने अपने ऑप्शन बताओ क्या क्या है। मेरा तो भाई इडली डोसा, मैं डोसा खा रहा हूँ, मेरा भी डोसा ही है, मैं सोच रहा हूँ पराठी करूँ, कोई इडली ले उससे, दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड इडली, इडली किस साइड, मेरा इडली, तो मैं तुम दोनों शेयर कर लेंगे, बस यही बात, अच्छी बात है। तो अभी नाश्ते के लिए थोड़ी देर बाद खाना पता नहीं कितने बजे होगा, कॉलेज से रास्ता मिला नहीं है, बाप रिटर्न नहीं हुआ, फाइन ऊपर देना पड़ रहा हूँ 20 रुपए, 20 रुपए दे मैं, 10 रुपए दे, 10 बाकी है मेरे अभी, मैं भी मैंने एक भी नहीं दिया, अभी नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा कैमरे मैंने एक भी नहीं दिया।
फिलहाल अभी बस रुकी है, हमारे पीछे बस है ये और जा रहे हैं मेट्रो गार्डन में, फोटो लेना है इसका। तो देखते हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। और यहाँ पे सब लोग अंदर तो वही नहीं, बाहर ही सब लोग फ्रेश हो रहे हैं, मतलब टॉयलेट कर रहे हैं, ऊपर करा के सामान निकल रहे हैं। तो ये मेप्रो गार्डन आ गए हम और ये इसका गेट है आगे ही। रुक जाए पहले वीडियो ले लें, ले लेंगे सेल्फी। तो देवस खड़ा हुआ मैं फोटो खड़ा है। तो ये है मेप्रो गार्डन, इसमें सारे रेस्टोरेंट वगैरह ये सब लगा हुआ है, फ्रूट जूस वगैरह सब चीज़ें। और इधर सब लोग आए हैं, बच्चे लोग घूमने फिरने। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। कुछ बन रहा है सर, बुला रहे हैं पहले। चलो यार, वही तो कह रहा हूँ मैं। हम लोग आ गए कहाँ पे? मेप्रो गार्डन। मेप्रो गार्डन का वीडियो फ्रंट पे करिएगा थोड़ा। हम लोग आए, ये सब लोग अपने घूम रहे हैं इधर से उधर, इधर उधर भाग रहे हैं। कौन वो व्हाइट बालों वाले? हाँ हाँ हाँ, अरे मेप्रो गार्डन के अंदर आ गए। गार्डन है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे चलो ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ये है सब रखा हुआ है इधर, ये सब इनका किचन वगैरह इधर सब मेप्रो के अंदर ही है ये सब। फोटो खींचते मिल जाए तो वीडियो बना रही। ये देखिए नज़ारा यहाँ से कितना अति सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट में ख़त्म होता है और यहाँ देखिए ये स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। मेरे कहाँ स्ट्रॉबेरी है यहाँ पे पूरा एकदम। नो प्रॉब्लम मैडम, नहीं चाहिए कितना अच्छा है यहाँ पर देखिए मौसम। यहाँ पर हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब फोटो वोटो खींच रहे हैं, बैठे हुए नहीं है। तो मेप्रो गार्डन में हम गए थे, वहाँ से हमें शॉपिंग करी, कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके आए, जैसे कि टॉफी है कुछ। और इसके साथ ही एक बड़े काजू वाली चॉकलेट करानी चाहिए, मजा ना पकड़िए। और इसके साथ ये बैग मिला। तो बस अब वही हम जा रहे हैं ऊपर महाबलेश्वर मंदिर में, शायद मंदिर में ही जा रहे हैं आई थिंक, भाई कंफर्म तो है नहीं, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। और काफ़ी मज़ा आया, बाकी सब लोगों ने फोटो वोटो खींचे, बहुत सारे मज़े किए। काफ़ी अच्छे हिल स्टेशन है घूमने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह सब एकदम। ऐसा है, तो मेप्रो के बाद अभी आए हैं हम कहीं घूमने, कोई पता नहीं हिल स्टेशन आ गए, हिल स्टेशन पे। यहाँ पे अभी हम बोटिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं बाकी। महाबलेश्वर हिल स्टेशन, बाकी सब लोग 25-30 मिनट दिया गया बस हमें घूमने के, क्या सर पता नहीं क्या, तो देखते हैं। हाँ घूम पाते थे जब हम,
पहले आ रहे हैं घोड़ सवारी करने के लिए, 200 रुपये घोड़ सवारी के 200 रुपये लग रहे हैं, मैं तो जाऊँगा हमारे घर रहा। महाबलेश्वर हिल पे थोड़ी मस्ती करने के बाद हम आ गए हैं महाबलेश्वर, जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे। थोड़ी धूप तो मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा है, तो अभी हम मंदिर में जाएंगे इधर से। कुछ इस तरह रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, सीढ़ियाँ, पता नहीं कहाँ तक ऊपर जाना है। तो अभी महाबलेश्वर से भी हम गए घूम के, और वहाँ पर 3 मंदिर थे, तीनों में एक पता है करीब 450 साल पुराना मंदिर था, महाबलेश्वर, अधिबलेश्वर और पता नहीं। वहाँ पर 5 नदियों का पानी मिलता है और 2 नदियाँ और इसके बाद हम जाएंगे लंच करने, उसके बाद अपने आएंगे मेप्रो प्लांट में, चॉकलेट वाला जो मेन प्लांट है, पीछे से वहाँ चॉकलेट आइसक्रीम खा रहा है। महाबलेश्वर के बाद हम खाने के लिए रुके हैं, लेकिन यहाँ चर्चा हो रही है कि यहाँ पर खाना सूटेबल या पैसे से बजट बनेंगे नहीं बनेंगे, तो यहाँ देखिए पीछे चर्चा चल रही है सब लोग की। क्या तो खाना खाने के बाद हम आए हैं मेप्रो में, चॉकलेट प्लांट इनका, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं प्रो सुनील दोने हैं, तो जैसे मैंने एंटर किया तो एक टॉस में मिली सबको उमटा करने के लिए, और उसके बाद जा रहे हैं ऑडी में, ऑडी में जा रहे हैं सब लोग। ऑडी बड़ा अजीब तरीके का है, एकदम कंटेनर्स में बना रखा है सारा, ट्रेन के नहीं मतलब कंटेनर्स कह दो, ऑडिटोरियम पता नहीं क्या है ये सब, यहाँ पे पूरा माहौल है और सभी अपने लोग जा रहे हैं यहाँ से। अरे सो हो गए कोई, ओहो ऊंचा है। तो अभी हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट जो मैप्रो था उसके प्लांट में आए, और अभी उनके जो ओनर थे मयूर बोरा जी उनसे मिल के आए, और अभी हम फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं उनका प्रोडक्शन वगैरह सब देखने कि कैसे कैसे क्या होता है। तो उसमें अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे फ्लैग लगाओ बहुत लंबा ऊपर।